वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? और आज अपन अनबॉक्स कर रहे हैं लेनोवो का एलईडी बैकलाइट। एक मॉनिटर है 21.5 इंचेस का। तो विदाउट वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉनिटर है, मतलब पूरा फ्रेमलेस टाइप का मॉनिटर है। तो अपन जल्दी से सीधे ओपन करते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो मैं इस तरीके से सीधे ओपन करता हूँ विद आवर देसी जुगाड़ पेन। एंड यहाँ से हमारा सील लाइक ओपन हो जाती है इस तरीके से, और इधर से भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मीन्स ये इस तरीके से ऊपर आएगा। तो अपन इसको लेटाना पड़ेगा, मीन्स बैंड करना पड़ेगा, और उसके बाद इस तरीके से ओपन करता हूँ मैं। देख सकते हैं अपन को क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखें तो कुछ मैनुअल मिल जाती है, और ये पता नहीं कुछ स्टिकर्स टाइप का है शायद से। तो इसको साइड में रखते हैं और ये देखते हैं छोटा सा। तो ये क्या है? तो ये आप देख सकते हैं ये जो इसका माउंट है, इसमें स्टैंड और जो अपना मॉनिटर है उसमें लगाने का, इसको भी साइड में रखता हूँ। और आप देख सकते हैं केबल है, ये जो है ये पावर केबल है इसकी। और ये साइड में जो केबल है ये है VGA to VGA केबल। और आप देख सकते हैं ये जो है ये है इसका मेन स्टैंड जिस पर आप ये रखोगे। तो इन सबको साइड में रखते हैं और जल्दी से इसका थर्मोकॉल हटाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना मेन मॉनिटर रखा है, तो मैं जल्दी से इसको उठा लेता हूँ। तो ये है हमारा मेन मॉनिटर, और मैं जल्दी से इसका जो मेन रैपर है ये हटा लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने मेरा मेन रैपर हटा लिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेमलेस है, मतलब तीनों साइड से ओनली 2 mm का जो फ्रेम है इसका बस वो है। और आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी सी चिन है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लिम है ये, बहुत ज़्यादा स्लिम है। और जल्दी से मैं इसको माउंट करता हूँ। तो जो माउंट करना था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मतलब मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा इसको माउंट करने में। और अगर अपन इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर ले तो अपन को इसमें मिल जाती है एक VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट, उसके साथ जो पावर अडाप्टर मिल जाता है, और ये जो इसके सामने मेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो गाइस जो डिस्प्ले क्वालिटी वो तो बहुत ही बढ़िया, और जो इसके साइड्स में बिल्कुल छोटे छोटे से बेजल्स हैं ना, वो तो और बिल्कुल चार चांद लगा देते हैं। मतलब ये मीन्स जो प्राइस रेंज में जो आपको ये क्वालिटी मिल रही है, और जो वीडियो क्वालिटी और मीन्स जो इसके बिल्ट इन क्वालिटी मिल रही है, बहुत ही बढ़िया बिल्ट इन क्वालिटी। और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है जो वो है 3:1:1। इसका जो रिजोल्यूशन है वो मतलब 1080p है, मतलब 1920x1080p। और इसमें अपन को मिल जाती है 250 निट्स की ब्राइटनेस विद 21.5 इंचेस की डिस्प्ले। और गाइस अगर अपन इसकी व्यूइंग एंगल की बात करें तो जो नॉर्मली LCD पैनल में आपको मिल जाता है वही अपन को इसमें मिल जाता है। साइड में आप जाके देखेंगे थोड़ा आपको जो स्क्रीन जो है डल होती हुई दिखाई देगी, और 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो आप इसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ही अच्छा अपन को इसमें मिल जाता है। इसकी जो प्राइसिंग है वो है अराउंड 7,500, क्योंकि मैंने इसमें बाय करा, और उसके मैंने नेक्स्ट देखा तो इसकी जो प्राइस थी वो 8,500 हो चुकी थी। तो मतलब इसकी जो प्राइस है फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जब बेस्ट बाय मिलेगा तभी आप बाय करना, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। सो गाइस यही था हमारा मॉनिटर लेनोवो की तरफ से, जिसका नाम है L22E20, और बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इस प्राइस रेंज में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेसल्स और ये सब कुछ मिल रहा है आपको। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।